हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल फैट एंड फिक्स्ड ऑयल मींस किसी भी सैंपल में अगर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है या फैट एंड फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट है तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय केमिकल टेस्ट इसके अलावा जो अदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जैसे कि अल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड टेनिन रेजिन फ्लागोनाइड्स तो इसके केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो सबसे पहले वोलेटाइल ऑयल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो सबसे पहले इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है सुदान रेड थ्री टेस्ट इसमें क्या करते हैं हम जिस ड्रग में हमको वोलेटाइल ऑयल को आइडेंटिफाई करना है तो मीन्स उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है तो हम उस सैम्पल ड्रग का मीन्स क्रूड ड्रग का थिन सेक्शन कट करते हैं और उसमें सुदान थ्री सोल्यूशन को ऐड किया जाता है तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा रेड कलर ऑप्टेन बाय द ऑयल ग्लोब्यूल्स मतलब कि उस सेक्शन में जहाँ जहाँ पे वोलेटाइल ऑयल होगा मीन्स ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे वो रेड कलर का हो जाएगा तो ये हो गया सुदान थ्री रेड टेस्ट उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टिंकचर अल्कना टेस्ट तो इसमें क्या किया जाता है इसमें भी हम तीन सेक्शन ऑफ ड्रग लेते हैं और टिंकचर अल्कना ऐड किया जाता है फ्यू ड्रॉप्स और उसको जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल ये हो गया सुदान रेड थ्री टेस्ट एंड टेंचर अल्कना टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल वोलेटाइल ऑयल क्या होता है जैसे कि नाम है वोलेटाइल ऑयल तो अगर इन ऑयल को एक्सपोज कर दिया जाता है डायरेक्टली टू द एयर तो ऑर्डिनेरी टेम्परेचर में ही ये कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है तो इस टाइप के ऑयल को हम वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं और इसको असेंशियल ऑयल भी बोला जाता है ड्यू टू स्पेसिफिक एसेंस तो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रोज हो गया मेंथा, नमन, फैनल, ये सब के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फैट एंड ऑयल फैट एंड ऑयल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहला हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है सेपोनिफिकेशन टेस्ट तो ये जो फैट एंड फिक्सड ऑयल है ये सिंपल लिपिड्स के अंदर आते हैं सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं सिंपल लिपिड्स केमिकली द दस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल तो सेपोनिफिकेशन टेस्ट में क्या किया जाता है सेपोनिफिकेशन टेस्ट में हम सैंपल लेते हैं डिफरेंट जो एक्सट्रैक्ट जो प्रिपेयर किया गया है उस क्रूड ड्रग का उसको लिया जाता है पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उस सैंपल में हम जीरो पॉइंट फाइव नॉर्मल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करते हैं और फ्यू ड्रॉप्स फिनोपथलिन का ऐड किया जाता है और उसको लगभग वन टू टू आवर के लिए उसको बॉयल किया जाता है इन द वाटर बाथ तो क्या होगा क्या ऑब्जर्व करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ सोप या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द अल्कली विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिक्सड ऑयल एंड फैट जैसा कि नाम है इस टेस्ट का सेपोनिफिकेशन टेस्ट मतलब कि इसमें सोप का फॉर्मेशन होता है मीन्स तो जैसा कि हमने आपको बताया था फैट एंड फिक्सड ऑयल क्या होते हैं ये केमिकली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल होते हैं अल्कोहल यहाँ पे क्या होगा ग्लिसरॉल सेपोनिफिकेशन टेस्ट के टाइम पे क्या होता है जो सैंपल जिसमें फिक्सड ऑयल या फैट प्रेजेंट है तो उसको जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हाइड्रोलिसिस होने पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है रिलीज होता है ये जो फैटी एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और वही क्या कहलाता है वही सोप मॉलिक्यूल कहलाता है तो ये हो गया टेस्ट के बारे में इसके बाद सेकेंड टेस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल लिया जाता है और उसमें वन परसेंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं और उसमें फिर अगेन ऐड किया जाता है टेन परसेंट सॉल्यूशन सोल्यूशन तो आपको क्या ऑप्टन होगा क्या ऑब्जर्व होगा क्लियर ब्लू सोल्यूशन ऑब्जर्व होगा तो क्लियर ब्लू सोल्यूशन किस तरीके से आया तो हमारे सैम्पल में जो फैट या ऑयल अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है और ग्लिसरॉल रिलीज होता है और रिएक्शन के टाइम पे जो क्यूप्रिक हॉड्रोक्साइड बनता है वो प्रिसिपिटेट आउट नहीं होता है क्योंकि वो सोल्यूबल होता है इन द ग्लिसन इसी कारण से हमको क्लियर ब्लू सोल्यूशन ऑब्जर्व होता है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हमने टेस्ट लिखा है हमने अगेन सैम्पल लिया जाता है और उसमें पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ऐड करते हैं तो पंजेंट ऑर्डर जो है रिलीज होता है तो ये जो पंजेंट ऑर्डर है ये क्या इंडिकेट करता है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन ये ग्लिसरीन किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ ग्लिसरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और फिक्सड ऑयल विच इज प्रेजेंट इन सैंपल तो ये हो गया केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फैट एंड फिक्सड ऑयल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो